Today start the very important topic of reasoning. The name of the topic is cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि जब भी कभी क्यूब के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्यूब के जब भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो आपको समझना होगा। यहाँ पे एक लार्ज क्यूब दिया जाएगा, लार्ज क्यूब जस्ट लाइक दिस वन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्मॉल साइज में भी है और लार्ज साइज में। सपोज दिस वन इज द क्यूब, कोई भी क्यूब आप ले लीजिए। सपोज हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, दिस वन इज द क्यूब। ओके, तो जैसा कि क्यूब के बारे में बात किया जाता है, सबसे पहले हम क्यूब को डिफाइन कर देते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब में बेटा जो लेंथ, विड्थ एंड हाइट सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये इक्वल नहीं होते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबॉइड बोलते हैं उसको। हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो दिस इज द क्यूब, आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द क्यूब। इसकी जो भी विड्थ है, जो भी लेंथ है, जो भी हाइट है, सभी आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। सभी आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट सभी कुछ क्या है यहाँ पे बेटा? इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सारी चीज़ें बेटा क्या है? इक्वल है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहेगा कि लेंथ, लेंथ को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, सपोज थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। विड्थ को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया और हाइट को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? थ्री। तो दैट मीन्स ये जो लेंथ है इसको भी थ्री, इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो विड्थ हाइट है इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। इस टाइप से कट कर करके, इस टाइप से क्या करके बेटा? कट कर करके स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? एक स्मॉल स्मॉल क्यूब में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। एग्जामिनर क्या करेगा? और एग्जामिनर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इसके बाद कहेगा कि अगर क्यूब, ध्यान से सुनिएगा कि क्यूब अगर वन साइड पेंटेड है, वन साइड पेंटेड, जैसे अगर हम यहाँ पे पेंटिंग कर दें इसका, इसका हम क्या कर दें बेटा? पेंट कर दें। तो दैट मीन्स अगर इस क्यूब को हम किसी भी कलर पेंट से ये पेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दिस कलर से हमने इसको पेंट कर दिया, या किसी एक बकेट में हमने डुबा दिया जहाँ पे पेंट है और इस पूरे क्यूब को उसमें डुबा दिया। और ये देखिए जहाँ से कट किए गए हैं, यहाँ से कट करके निकाले जा रहे हैं, यहाँ से क्या किए जा रहे हैं बेटा? कट करके इनको निकाले जा रहे हैं, कट करके यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि कितने ऐसे क्यूब हैं बेटा जो थ्री साइड पेंटेड है, थ्री साइड पेंटेड है। कितने ऐसे क्यूब हैं बेटा जो टू साइड पेंटेड है, टू साइड पेंटेड, थ्री साइड पेंटेड कितने हैं, टू साइड पेंटेड कितने हैं, वन साइड पेंटेड। तो ये जो स्मॉल स्मॉल क्यूब आएगा, ये स्मॉल स्मॉल क्यूब जब यहाँ से आप कट करके निकालेंगे तो ये जो स्मॉल स्मॉल क्यूब आएंगे, ये क्यूब कितने साइड से पेंटेड है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं बेटा क्यूब के बारे में, जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं क्यूब के बारे में, इसमें हम लोग बहुत इजी तरीके से देखेंगे बेटा किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ए क्यूब इज ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कितने डायमेंशनल बेटा? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लेंथ भी होती है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। विथ थ्री साइड्स, कितने साइड्स हैं? थ्री। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होते हैं बेटा? आपस में बराबर होते हैं। लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। ऑलवेज जो सबसे ज्यादा रिमेंबर करने वाली बात है वो क्या है बेटा? क्यूब में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ मेनी फेसेस, कितने फेसेस हैं बेटा? सिक्स फेसेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो, रेड एंड ब्लू। ऐसे इसके जस्ट अपोजिट में, जैसे टॉप पे येलो है तो बॉटम पे येलो होगा, यहाँ पे रेड है तो इसके जस्ट बैक पे आपका क्या हो जाएगा? रेड कलर। और ये ब्लू है, इसके जस्ट अपोजिट में ब्लू। मतलब थ्री कलर में हमने डिफाइन किया। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फेस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। और एट वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं बेटा यहाँ पे? एट। और कितने एज होते हैं? हाउ मेनी एज? अगर हम एज की बात करें, देखिए वर्टिसेस किसको बोलते हैं? दिस इज नोन एज वर्टिसेस, दिस इज नोन एज वर्टिसेस। इन सभी को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं बेटा? एट होते हैं। सेवन आपको मैंने यहाँ पे सर्किल से डिनोट करके दिखा दिया। एक बेटा इसके जस्ट बैक में है, जो इस 3D डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पे है बेटा? बैक में। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर ए क्यूब हैज सिक्स फेसेस। आई होप क्लियर सभी को। कितने वर्टिसेस हैं बेटा? एट वर्टिसेस हैं। और हाउ मेनी एज? यहाँ पे देख सकते हैं 12 एज। एज की अगर आप बात करें तो दिस वन इज द एज, फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड बेटा, दिस वन इज द फोर्थ, फिफ्थ, दिस वन इज द सिक्स, सेवन, एट, नाइन,
टोटल कितने एज होते हैं बेटा? 12। हाउ मेनी एज? 12। कितने फेसेस होते हैं बेटा? 6 फेसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं बेटा? 8 वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं बेटा? 8 वर्टिसेस। 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एज। 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड कितने एज होते हैं बेटा? 12 एज होते हैं। कितने एज होते हैं बेटा? 12 एज होते हैं। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा क्यूब के बारे में। इस क्लास को अगर आप कंप्लीटली पूरा करते हो ना, तो दैट मीन्स आप ये समझिए कि पूरा डिटेल क्यूब के बारे में कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आप इजली क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बात कर रहे हैं बेटा पेंटेड क्यूब का। किसकी बात कर रहा है? पेंटेड क्यूब का। तो जो वो क्यूब था, इस क्यूब को ध्यान से देखिएगा, इस क्यूब को 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया। दैट मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इनको 3 इक्वल पार्ट में, 3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने कितने इक्वल पार्ट्स में? 3 3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमने कट करके ये स्मॉल स्मॉल क्यूब में बनाया, ये देखिए, दिस इज द कटिंग लाइन, दिस इज द कटिंग लाइन। आई होप कि आप लोगों को इजिली समझ आ रहा होगा, इजिली बेटा समझ आ रहा होगा। देखिए, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो सभी को कितने कितने पार्ट्स में? 3 3 पार्ट्स में बेटा, यहाँ पे लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों को डिवाइड किया गया है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आंसर्स डायरेक्ट लिखे हैं, आंसर्स क्या लिख दिए हैं? डायरेक्ट लिख दिए हैं। ध्यान से समझिए आप कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा क्यूब है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? वेट, टोटल 3 लेंथ में डिवाइड किया गया, लेंथ को 3 पार्ट्स में, विड्थ को भी 3 पार्ट्स में, और हाइट को भी 3 पार्ट्स में। कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए, ये आपको क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, 0 साइड पेंटेड क्यूब कितना आ गया? 1 आ गया। 1 साइडेड पेंटेड क्यूब कितने आ गए? 6 आ गए। 2 साइड पेंटेड क्यूब कितने आ गए? 12 आ गए। और 3 साइड पेंटेड क्यूब, ये कैसे आता है, इसके लिए आपको ध्यान से पहले समझना है। सभी लोग ध्यान से समझे कि मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम यूपीएससी, उसको टेंशन मत लो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये डायरेक्टली लोग रट के याद करते हैं, बट आप सीखिए कि हम अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को भी चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे तीनों को 3 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एग्जामिनर 4 4 में कर दे, 5 5 में कर दे, या लेंथ, विड्थ, हाइट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दे, उसके लिए पहले हम लोग ना कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे, ए लार्ज क्यूब इज डिप इन पेंट, टेकन आउट एंड देन डिवाइडेड इंटू 64 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड फ्रॉम 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड, 0 साइड? अब देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर ने ये बोला है कि ये जो क्यूब है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा? 64 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, क्यूब के बारे में जब हम एनालिसिस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, दिस इज क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सभी लोग कंसंट्रेट होके देखेंगे। 64 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चीज आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि बेटा 64 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा? लेंथ, विड्थ एंड हाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दिस इज द लेंथ, दिस वन इज द विड्थ और दिस वन इज द हाइट। तो 64 पार्ट्स में है। तो देखिए, एल इंटू बी इंटू एच, और तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दिस इज इक्वल टू 64 तीनों की साइड, क्योंकि क्यूब में सभी बराबर होते हैं। तो क्या हम एक्स क्यूब लेंथ, हम एक्स ले लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, तो क्या यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी? दिस इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, विड्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और हाइट को भी 4 पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ को देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ध्यान से समझिएगा, अब हम देखिए हाइट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए लेंथ को 4 पार्ट्स में, हाइट को, अब हम विड्थ को भी डिवाइड कर रहे हैं बेटा 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए कंप्लीट मैं यहां से इसको बेटा कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहिए। जब कंप्लीट हम लोग डिवाइड कर लेंगे ड्रॉ करके, तो
इसके बाद हम सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, अब ये जो हमारा लार्ज क्यूब था इसको 64 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया, विड्थ को भी बेटा 4 पार्ट में, और हाइट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा 4 पार्ट में। हर एक चीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा 4 पार्ट्स में। अब इस जो क्यूब हमारा है इसको किसी पेंट में हम ऐसे डुबा के इसके बाद इसको कट करके हमने निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे वही दिया है, कहता है एक लार्ज क्यूब है इज डिप इन ए पेंट टेकन आउट। सबसे पहले उसको पेंट में डुबा दिया और इसके बाद उसको बाहर निकाला, एंड देन डिवाइडेड इंटू 64 स्मॉलर इक्वल पार्ट। कितने इक्वल पार्ट में? 64 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड फ्रॉम 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड एंड 0 साइड। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, 3 साइड पेंटेड क्यूब कितने वर्टिसेस हैं। देखिए 3 साइड पेंटेड क्यूब जो आएगा एट ए दिस 1, 2, 3, एट ए दिस पॉइंट 1, 2, 3, एट ए दिस पॉइंट 1, 2, 3, एट ए दिस पॉइंट बेटा जितने वर्टिसेस हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं, देखिए यहाँ पे जो क्यूब होगा वो तीनों साइड से पेंटेड होगा। यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं बेटा एट ए दिस पॉइंट, जितने भी क्यूब हैं वो 3 साइड से पेंटेड होंगे। 1, 2, 3। 3 साइड से पेंटेड का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। 3 साइड से दैट मीन्स बेटा ये इस साइड से पेंटेड होगा, ये क्यूब जो छोटा वाला है इस साइड से भी पेंटेड होगा बेटा, और जो इस साइड वाला इसका फेस है एट दिस साइड वाला इस साइड से भी पेंटेड होगा। तो कितने साइड से पेंटेड हुआ? 3 साइड से। कितने साइड से पेंटेड हुआ बेटा? 3 साइड से। तो 3 साइड पेंटेड क्यूब ऑलवेज कितना आएगा बेटा इन ए क्यूब? 8 आएगा। दिस इज ऑलवेज, क्योंकि 3 साइड पेंटेड क्यूब जो है वो कहाँ पे आएगा बेटा? वर्टिसेस पे आएगा। वर्टिसेस टोटल कितने होते हैं? वर्टिसेस कितने होते हैं बेटा? टोटल वर्टिसेस की अगर हम बात करें इन ए क्यूब तो कितने होते हैं? 8। तो 3 साइड पेंटेड क्यूब कितने आ गया बेटा? 8 आ गया। 3 साइड पेंटेड क्यूब कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे 2 साइड पेंटेड क्यूब। देखिए ये वाला 2 साइड पेंटेड होगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2। दिस वन इज ऑल्सो 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 2, 1 2, 1 2। यानी ये कहाँ पे आ रहा है बेटा? एज पे आ रहे हैं। 2 साइड पेंटेड क्यूब कहाँ पे आ रहे हैं? एज पे आ रहे हैं। चेक कर लीजिए सभी लोग कि कहाँ पे आ रहा है बेटा? एज पे। और अगर हम क्यूब में एज की बात करें तो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं बेटा। कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। हाउ मेनी एज 2 साइड पेंटेड क्यूब में? अब देखिए एक एज पे इन वन एज कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल एज कितने हैं बेटा? 12 हैं। तो क्या 24 ऐसे क्यूब होंगे जो 2 साइड पेंटेड होंगे? 24 ऐसे क्यूब होंगे बेटा जो 2 साइड पेंटेड होंगे। 24 ऐसे क्यूब होंगे जो 2 साइड पेंटेड होंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा 1 साइड पेंटेड। अब हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? 1 साइड पेंटेड की। 1 साइड पेंटेड अब हम बात करेंगे बेटा 1 साइड पेंटेड की। ध्यान से देखिएगा 1 साइड। अब ये देखिए जो ये दिस वन ये फेस पे जो है 1, ये भी 1 साइड, 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 1, 1, 1। तो कितने फेस हैं? हाउ मेनी फेसेस? अगर हम क्यूब में बात करें तो टोटल 6 फेसेस हैं, और एक फेस पे कितना 1 साइड पेंटेड है बेटा? 4 है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। तो टोटल वर्टिसेस 8 थे, तो वहां पे हमारे सभी पेंटेड क्यूब 3 साइडेड 8 आ गए। 2 साइडेड 24 आ गया बेटा। 2 साइडेड 24 आ गया, और 1 साइडेड कितना आ गया? ये भी 24 आ गया। टोटल 64 थे। टोटल कितना था? 64। अगर हमें 0 साइड चाहिए तो 0 साइड के लिए जुगाड़ क्या होगा? टोटल में से हम इसे माइनस कर दें, 8 प्लस 24 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू, आप चेक कर लीजिए, 24 इंटू 2 प्लस 8, और ये हम 64 से अगर माइनस कर देते बेटा तो 1 साइडेड पेंटेड क्यूब, 0 साइडेड पेंटेड क्यूब कितने आते हैं बेटा? 8। ये वो क्यूब होंगे बेटा जो इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे। इस क्यूब के जो अंदर वाले क्यूब होंगे वो किसी भी साइड से पेंटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्यूब को जब पेंट में डुबाया गया, पेंट में डुबा करके निकाला गया है, पेंट में डुबा करके इसके बाद उसको निकाल के इसके बाद
इसको कट किया गया 64 इक्वल पार्ट्स में। तो बेटा जो इनसाइडर होगा वो किसी भी साइड से पेंटेड नहीं होगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो थ्री साइड से पेंटेड क्यूब कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। टू साइड से पेंटेड क्यूब कितने आ गए, 24 आ गए। वन साइड से पेंटेड क्यूब कितने आ गया बेटा, ये भी 24। तो जीरो साइड से पेंटेड क्यूब 64 माइनस 8 प्लस 24 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ओके, आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में, टोटल 64, और आप देख सकते हैं थ्री साइड पेंटेड कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। टू साइड पेंटेड क्यूब कितना आ गया, 24 आ गया। वन साइड पेंटेड क्यूब 24, तो जब आप माइनस करते हैं तो थ्री साइड पेंटेड टोटल क्यूब में से जब आप माइनस करेंगे तो जीरो साइड पेंटेड क्यूब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये तो था एक मेथड, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या आप सभी लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल मेथड बनाया है बेटा, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। कहता है फॉर ए क्यूब ऑफ साइड एन क्रॉस एन क्रॉस एन पेंटेड ऑन ऑल साइड्स विच इज यूनिफॉर्मली कट इन टू स्मॉलर क्यूब ऑफ डायमेंशन। मतलब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि हर एक को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक क्यूब है, क्यूब में एल बी एच सभी बराबर होते हैं, क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होते हैं। तो उसको कट किया जा रहा है इक्वल पार्ट्स में, वन क्रॉस वन का। तो नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, देखिए एन क्रॉस एन में है क्यूब, है उसकी साइड है, और उसको एन में कट किया जाता है। जो साइड है उसकी लेंथ अगर एन है, एन पार्ट्स में उसको कट किया जा रहा है, और ये इक्वल है, एन एन पार्ट्स में कट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, एन क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना आएगा बेटा, एन क्यूब। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ क्यूब विद थ्री साइड पेंटेड, ये होगा बेटा 8 ऑलवेज। अब टू साइड पेंटेड का फॉर्मूला आता है 12। ये 12 कहाँ से आता है बेटा, ये एज, टोटल एज कितने हैं बेटा, 12 है, और इनटू कितना आएगा, एन माइनस टू। अब एन इज इक्वल टू कितना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कितना रखे थे, 4 रखे थे। तो जब आप 4 माइनस टू करेंगे तो 2 आएगा, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। फिर कहता है नंबर ऑफ क्यूब विथ वन साइड पेंटेड, एक साइड पेंटेड हो, वन साइड पेंटेड, तो टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6। फेस कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू एन माइनस टू का कितना आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। 6 इंटू एन माइनस टू का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। फिर कहता है नंबर ऑफ क्यूब्स विथ जीरो साइड पेंटेड, विथ जीरो साइड पेंटेड क्या आ जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस टू का होल क्यूब, एन माइनस टू का होल क्यूब। आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, जितने भी वैल्यू आपको क्वेश्चन है, जैसे सेम क्वेश्चंस में जो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चंस था, इन दिस केस में अगर हम इस केस में, जैसे कि यहाँ पे 64 इक्वल पार्ट्स थे, 64 इक्वल पार्ट्स है, अगर हम यहाँ पे कह देते आपसे 125 इक्वल पार्ट्स है, तो 125 का मीनिंग क्या हो जाता है इक्वल पार्ट्स में, कि लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 5। विड्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 5। हाइट को कितने पार्ट में, 5। जितने जितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब देता है। टोटल नंबर ऑफ क्या दे देता है बेटा, स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 125 है। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं बेटा, इन दिस केस थ्री साइड पेंटेड क्यूब कितना आएगा, थ्री साइड पेंटेड क्यूब कितना आएगा, टू साइड पेंटेड क्यूब कितना आएगा, वन साइड पेंटेड क्यूब कितना आएगा बेटा, और जीरो साइड, वन साइड पेंटेड क्यूब कितना आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला क्या है, इन दिस केस थ्री साइड का कितने बेटा, 8। टू साइड 12 इंटू एन माइनस टू, वन साइड का क्या आएगा, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो साइड का क्या आएगा, एन माइनस टू का होल क्यूब। तो जब आप वैल्यू रखेंगे बेटा, एन की वैल्यू यहाँ पे इन दिस केस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी को 5 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एन की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, 5। तो 5 माइनस 2 3, और 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा, 36। तो टू साइड पेंटेड क्यूब का आंसर कितना आ गया, 36। अब एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 6 कितना आ गया, 54। तो वन साइड कितना आ गया बेटा, 54। वन साइडेड कितना आ गया, 54। और जीरो साइडेड कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 2 3, 3 क्यूब दिस इज इक्वल टू 27। अब आप देखिए कभी कभी ना क्या होता है कि अगर आपको कभी डाउट आ जाए तो आप क्या करिए, सभी को ऐड करिए,
जो आपने कैलकुलेट किया, अगर इसका सम 125 आता है तो दैट मीन्स आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है, आपने जो सॉल्व किया बेटा वो करेक्ट है, अगर इसका सम कितना आ जाता है 125। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब की बार है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी यूनिट क्यूब हैव ओनली थ्री साइड पेंटेड? ओनली थ्री साइड। अब यहाँ पे देखेंगे थ्री साइड पेंटेड कितने हैं। हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली टू साइड पेंटेड? केवल दो साइड पेंटेड हो। हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन साइड पेंटेड एंड हाउ मेनी क्यूब हैव नो साइड पेंटेड? हाउ मेनी क्यूब हैव नो साइड? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए वो ये समझ में आना चाहिए बेटा कि लेंथ विड्थ एंड हाइट को कितने पार्ट में, टोटल क्यूब कितने हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। टोटल स्मॉलर क्यूब, तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेंथ को 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाइट को भी 4 इक्वल पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया गया है और विड्थ को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था एज इट इज हो गया बेटा, सेम सेम क्वेश्चन हो गया जो आपने प्रीवियस। तो टोटल क्यूब की अगर हम बात करें, टोटल क्यूब की बात करें तो 64 आ जाएगा। टोटल क्यूब इज इक्वल टू 64। अगर हम यहाँ पे थ्री साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये रेड वाले, सभी रेड वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इसके जस्ट बैक में, इसका बॉटम में आएगा, इसके बॉटम में, तो दैट मीन्स कितने आएगा 8। टू साइड वाले ब्लू वाले काउंट करने हैं, ब्लू आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहां से एक बात हमें यह समझ में आता है बेटा कि जितने एज हैं, हर एक एज पे आप देखिए, एवरी एज, हर एक एज पे कितने हैं, टू ऐसे क्यूब हैं जो दो साइड से पेंटेड है। टू क्यूब बेटा ऐसे हैं जो कितने साइड से पेंटेड है, टू साइड से पेंटेड है। दो क्यूब ऐसे हैं जो कितने साइड से पेंटेड है, दो साइड से। तो ऐसे टोटल एज कितने हैं बेटा, 12। तो 12 × 2 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 24। 12 × 2 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 24। नेक्स्ट हमारा आता है वन साइड पेंटेड। वन साइड पेंटेड कितने फेस होते हैं, फोर, हर एक फेस पे फोर है। दिस व्हाइट वाले क्यूब आप चेक कर लीजिए, व्हाइट वाले क्यूब। अब जीरो साइड के लिए यहाँ पे एक ही जुगाड़ आपके पास क्या है, टोटल में से माइनस कर दीजिए। 8 + 24 + 20 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 24 × 2 + 8, और किस में माइनस करेंगे बेटा, 64 - दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए समझना जरूरी है आप सभी लोगों को। थोड़ा सा अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने लेवल इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर कहेगा कि टॉप एंड बॉटम को हमने येलो कलर से पेंट किया है। टॉप एंड बॉटम को हमने किस कलर से पेंट कर दिया, येलो कलर से पेंट कर दिया। टॉप एंड बॉटम को किस कलर से पेंट किया, येलो, ये टॉप एंड बॉटम, ये रेड से इसके इसके फ्रंट वाला और ये ब्लू कलर से। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड थ्री साइड्स, हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड थ्री साइड एंड ऑल थ्री डिफरेंट कलर्स, ऑल थ्री डिफरेंट कलर्स। दैट मीन्स कि वन साइडेड ये येलो से पेंटेड है, सेकेंड वन इज रेड से पेंटेड है, दिस वन इज ब्लू। तीनों साइड से पेंटेड हो बट तीनों कलर क्या हो बेटा, डिफरेंट। तीनों कलर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। तीनों कलर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। तो क्या यहाँ पे आंसर चेंज होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो कितना आ जाएगा बेटा, 8। आप चेक कर लीजिए, हर एक साइड से, हर एक साइड पे आप जाएंगे, हर एक साइड पे जाके आप चेक करिए, हर एक वर्टिसेस पे चेक करिए, यहाँ पे क्या आपको तीनों कलर मिल रहा है बेटा, देख लीजिए। एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पे देखिए येलो, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू। अब देखिए ब्लू और यहाँ पे क्या है, येलो है। ये जो तीसरा वाला रह गया बेटा, क्या वो रेड के जस्ट अपोजिट तो रेड कलर से पेंटेड होगा, तो टोटल कितने आ गए, 8। ऐसे ही वो पूछ सकता है बेटा
ऐसे कितने क्यूब हैं जो टू साइड से पेंटेड हैं, और वो कलर क्या है बेटा? येलो एंड, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू। तो आप देखिए, येलो एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो एक यहाँ पे मिलेगा, एक इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक इसके जस्ट अपोजिट। तो कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? केवल और केवल कितने बेटा? चार। येलो एंड रेड के लिए कितने मिल जाएंगे? इसके लिए भी चार मिलेंगे। इसके लिए भी कितना मिल जाएगा? चार मिल जाएगा। रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा? इसके लिए भी। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, वन साइड पेंटेड क्यूब हो और वन साइड पेंटेड क्यूब हो, और वो किस कलर से हो बेटा? ब्लू कलर से। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे? तो एक ये वाला होगा और एक इसके जस्ट अपोजिट वाला होगा। ऐसे येलो के भी टू होंगे और रेड के भी टू होंगे। तो एग्जामिनर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है, एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए लार्ज क्यूब इज डिप इन पेंट टेकन आउट एंड देन इट्स लेंथ वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, विथ 4 इक्वल पार्ट्स एंड हाइट 3 इक्वल पार्ट्स। लेंथ 5 इक्वल पार्ट्स, विथ 4 इक्वल पार्ट्स एंड हाइट 3 इक्वल पार्ट्स। हाउ मेनी क्यूब्स पेंटेड फ्रॉम 3 साइड्स, 2 साइड्स, 1 साइड एंड 0 साइड? हाउ मेनी क्यूब पेंटेड फ्रॉम 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड एंड 0 साइड? हाउ मेनी? अब देखिए, इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन क्या है? इन दिस केस जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन क्या है? आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी क्यूब पेंटेड फ्रॉम 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड एंड 0 साइड? 3 साइड्स, 2 साइड, 1 साइड एंड 0 साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया कि अभी तक आपका क्यूब आता था, यहाँ पे क्यूब ना होके क्यूबॉइड होगा बेटा ये क्यूब, क्योंकि अब हमारा लेंथ, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे चेंज हो गया। क्यूब ना होके क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड होगा, ये क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे क्यूबॉइड आएगा। ठीक है, ये करेक्शन है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्यूबॉइड, हाउ मेनी क्यूबॉइड पेंटेड फ्रॉम 3 साइड, 2 साइड एंड 1 साइड, 0 साइड? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया। अब समझते हैं, पहले 5 इक्वल पार्ट में लेंथ को डिवाइड किया गया, विथ 4 इक्वल पार्ट में और हाइट 3। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 इक्वल पार्ट में लेंथ को डिवाइड किया जाएगा, 5 इक्वल पार्ट में लेंथ को डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 में विथ और हाइट 3 इक्वल पार्ट्स में। देखिए यहाँ पे ध्यान से, लेंथ को कितने पार्ट में बेटा? 5, 1, 2, 3, 4, 5। विड्थ को कितने पार्ट, हाइट को कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। विड्थ को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, 1, 2, 3 एंड 4। दो, तीन, क्लियर? दिस इज द लेंथ को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, विड्थ को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में, और हाइट को कितने में? 3। तो टोटल क्यूब की अगर बात करें या क्यूबॉइड की बात करें, तो आप बोल सकते हैं सर 5 × 4 × 3 कितना आ गया बेटा? 60। कितना आ गया यहाँ पे? 60। 5 × 4 × 3 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक को हमें काउंट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस बन रहा है वो केस 3 साइडेड वाला है, वो तो बहुत ही सिंपल हो गया। 3 साइड पेंटेड क्यूब आप देख सकते हैं बेटा, 3 साइड पेंटेड क्यूब वर्टिसेस पे आएंगे, और टोटल क्यूब में वर्टिसेस कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 साइड का कितना आ गया बेटा? 8। 3 साइड का कितना आ गया? 8। अब हम देखेंगे 2 साइड पेंटेड क्यूब, क्या देखेंगे बेटा? 2 साइड, 2 साइड से पेंटेड क्यूब अगर आप निकालना चाहें तो देखिए, ये जो वर्टिसेस है वहां, सॉरी, ये जो एज है या इस पे देखिए कितने 2 साइड आ रहे हैं? 3। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 3, 1, 2, एज इट इज बेटा 1, 2, 1, 2, 1, 2। मतलब जो हमारे ये वाले एज हो गए, दिस वन और दिस वन, इस पे कितने कितने आ रहे हैं? 3, 3, एट दिस ऑल्सो 3, और इसके बैक पोर्शन पे भी 3। तो
तो फोर यहाँ पे देखिए, टू साइड फोर इंटू थ्री, ऐसे कितने हॉरिजॉन्टल वाले वर्टिसेस कितने हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल वाले वर्टिसेस कितने हैं बेटा, कितने हैं बेटा, फोर हैं, और हर एक पे तीन आ रहा है, हर एक पे थ्री आ रहा है, तो फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस। अगर हम वर्टिकल वर्टिसेस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, वर्टिकल की, किसकी बात करें बेटा, वर्टिकल की, किसकी बात करें बेटा, वर्टिकल वर्टिसेस की, तो देखिए दिस इज वन टू, दिस वन इज वन टू, वन टू कितने आ रहे हो, वर्टिकल वर्टिसेस भी फोर हो, वर्टिकल एज भी फोर होगा, बट हर एक एज पे कितने हमारे क्यूब टू साइड पेंटेड आ रहे हैं बेटा, वन, कितने क्यूब हमारे टू साइड पेंटेड आ रहे हैं, वन। सिमिलरली हम लोग एज ये वाले एज पे इंक्लाइंड वाले पे चेक करेंगे, तो दिस इज वन टू, वन टू, दिस इज वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, तो दैट मीन्स फोर कितने हैं बेटा, ये फोर एज हैं, और हर एक एज पे कितने आ रहे हैं बेटा, टू आ रहे हैं। तो जब आप इसे काउंट करते हैं, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस फोर प्लस एट कितना आ गया, 24, दिस इज इक्वल टू 24, कितना आ जाता है बेटा, 24। अब हम लोग बात करेंगे बेटा वन साइड वाले, तो सबसे पहले टॉप पे देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन साइड कितने सिक्स है, तो टॉप एंड बॉटम पे सिक्स सिक्स आएगा, तो टू इंटू सिक्स प्लस। फ्रंट पे देखते हैं, वन टू थ्री, फ्रंट एंड बैक पे थ्री आया, तो दो फेसेस और हर एक फेस पे थ्री आ रहा है प्लस। राइट वाले पे देखिए, वन टू ऐसे ही, तो टू इंटू टू, तो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 6 प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 22, कितना आ जाएगा, 22। अब आपसे पूछा जाएगा जीरो साइड, तो जीरो साइड के लिए सिंपल आप क्या लगा सकते हैं, 60 माइनस 24 प्लस 22 प्लस 8, तो यहां से ये कितना आ जाएगा बेटा, जीरो साइड के 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बेटा, जीरो साइज के आई थिंक 8 आएगा, जीरो साइज के कितने आ जाएंगे, 24 प्लस 22 प्लस 8, और 60 से अगर आप माइनस करेंगे तो हाँ 6 आ रहा है, कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, क्लियर। तो जीरो साइड पेंटेड कितने आ गए, 6। अब ये तो था बेटा कन्वेंशनल मेथड जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या हम इसका कोई जनरलाइज केस बना सकते हैं, कोई ऐसा जनरलाइज केस कि लेंथ विड्थ एंड हाइट कभी इक्वल हो तब भी वैलिड हो जाए, लेंथ को अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, विड्थ को अलग डिफरेंट पार्ट में, हाइट को डिफरेंट पार्ट में, तब भी वो फॉर्मूला वैलिड हो जाए, क्योंकि जो प्रीवियस वाला जनरलाइज केस हमने पढ़ा है दिस वन, ये जनरलाइज केस बेटा तभी वैलिड हो रहा है जब आप लेंथ विड्थ एंड हाइट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट को जब आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा दिस वन, इस क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वो जनरलाइज केस आपका वैलिड नहीं हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसके केस में, जनरलाइज केस में, इन दिस जनरलाइज केस में, ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन जनरलाइजेशन यहाँ पे बनाया गया है बेटा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब, लेंथ को जितने पार्ट में डिवाइड करें वो लिखो, विड्थ को हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल में करें डिफरेंट डिफरेंट में करें नो इशू एट ऑल, सभी जगह दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर क्यूब, यूनिवर्सल, लेंथ को अलग पार्ट में डिवाइड करता है, विड्थ को अलग पार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाइए। थ्री साइड पेंटेड ये ऑलवेज इट आता है, टू साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर एल माइनस टू बी माइनस टू एच माइनस टू, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर देता हूँ, फोर एल कितना है बेटा, एल फाइव पार्ट में था, फाइव माइनस टू प्लस, विड्थ को फोर पार्ट में डिवाइड किया था, फोर माइनस टू प्लस, हाइट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, थ्री माइनस टू, ध्यान से देखें दिस इज फोर, और यहाँ पे देखें दिस इज थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना आ गया, क्या ये 24 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, क्या 24 आया था, टू साइडेड वाले देख लीजिए, टू साइडेड 24 जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो भी देख लीजिए, टू साइडेड वाले 24, टू साइडेड वाले 24। नेक्स्ट हमारा जो आता है वन साइडेड वाला, सॉरी टू साइडेड हो गया, थ्री साइडेड हो गया, टू साइडेड, वन साइडेड का फॉर्मूला आता है बेटा टू एल माइनस टू इंटू बी माइनस टू, बी माइनस टू इंटू एच माइनस टू प्लस एच माइनस टू इंटू एल माइनस टू, तो बी एल बी एच सबकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो जीरो साइड पेंटेड क्यूब आता है
वो हमारा था एल माइनस टू इंटू बी माइनस टू इंटू एच माइनस टू। तो ये जनरलाइजेशन का जो ये फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि लेंथ को विड्थ को हाइट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी यूज होगा, नहीं आप डिफरेंट डिफरेंट में भी अगर करेंगे तब भी जाके ये फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा लग जा रहा है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा लग जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा बेटा, यहाँ पे आप सभी को अच्छे से क्लियरिफाई हो गया। तो ये आज हम लोगों ने जो क्लास फिनिश कर लिया बेटा, कौन सा क्लास फिनिश कर लिया, क्यूब हमने डन कर लिया है।